हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इंटरगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में मैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस के संबंधित कुछ स्पेशल नोट्स के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब QW स्वयं सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम कैसे वाक्य को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, जो QW होता है, क्वेश्चन वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मच, ये सब होता है QW। तो जब स्वयं सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा, लेकिन QW ही स्वयं सब्जेक्ट का काम करेगा। तो रूल यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है QW सब्जेक्ट के रूप में हेड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये था जो सिंपल वाक्य दिया हो, जिसमें पहले या बात नहीं लगा हो, बस सिंपली वाक्य दिया हो, तो हम लोग इस रूल से बनाएंगे। अभी आप देखिए, जब वाक्य के बीच में पहले लगाओ, जब पहले आ जाए तो हम लोग इस वाले रूल से बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर जब पहले दिया होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनाते हैं, बिफोर फिर लगाते हैं, फिर उसके बाद पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाद में बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल लिखा है, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे। यहाँ पे देखिए, कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे जो QW है वो स्वयं सब्जेक्ट को लिए हुए है। यहाँ पे देखिए, कितने बच्चे, तो यहाँ पे कैसे बनेगा टेंस, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर सनसेट। यहाँ पे देखिए, जब वाक्य के बीच में बाद लगाओ तब हम कैसे बनाएंगे। जब बाद लगाओ, देखिए इस रूल से बनाएंगे, QW जो क्वेश्चन वर्ड है सब्जेक्ट के रूप में, डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, आफ्टर सब्जेक्ट, हैड V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, पहला है, अध्यापक के जाने के बाद कितने विद्यार्थियों ने अपना पाठ याद कर लिए थे। यहाँ पे देखिए, बाद यहाँ पे लगा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले बनाएंगे और फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो कैसे होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड लर्न देयर लेसन्स आफ्टर द टीचर हैड गॉन। जब QW ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए रूल, QW ऑब्जेक्ट के रूप में हैड, देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया रहता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे, हमारे आने से पहले वो लड़की कौन सा गाना गा चुकी थी। यहाँ पे देखिए, वह लड़की, यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिया है, देखिए मैंने बोला था जैसा कि वो सब्जेक्ट दिया रहता है, यानी सब्जेक्ट दिया है कौन सा गाना। अब देखिए यहाँ पे जो QW ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, इसी रूल के हिसाब से बनेगा। यहाँ देखिए, विच सॉन्ग हैड दैट गर्ल संग बिफोर वी केम। अब आगे है आपका चौथा सेंटेंसेस जो होता है, वो होता है इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होता है। तो यहाँ पे देखिए रूल क्या होता है, हैड सब्जेक्ट नॉट या नेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क। और जब QW बीच में हो तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, QW हैड सब्जेक्ट नॉट या नेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैंने बस सिंपल जो सेंटेंस दिया रहेगा उसी का रूल लिखा है। तो अगर आप अच्छी तरह से एग्जांपल समझ लेते हैं तो आप रूल अपना खुद बना सकते हैं। जैसा कि देखिए, मैंने एग्जांपल को अच्छी तरह से समझ लिया था तो मैंने खुद से ही रूल, ये पूरा रूल बनाया है, तो आप भी खुद से रूल बना सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल समझिए, क्या बस छूटने से पहले हम बस स्टॉप नहीं पहुँच गए थे। तो यहाँ पे देखिए, हैड वी नॉट रीच द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड, यानी बस छूटने से पहले, यानी कि बस शुरू हो गया था, यानी बस चला गया था। तो हैड वी नॉट रीच द बस स्टैंड बिफोर द बस स्टार्टेड, यहाँ पे देखिए क्या है,
क्या वाक्य के प्रारंभ में आया तो इस रूल से बनाते हैं हम लोग, तो वही सिंपल रूल होता है, लेकिन जब पहले आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहले बनाते हैं और फिर बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट या नेवर लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, तो सेम जैसे हम लोग रूल लिखे हैं पीछे रूल जैसे लिखे हैं उसी के अनुसार हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया है, यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड आया है, यानी कि ये इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ पे दूसरा देखिए, गृह कार्य पूरा करने के बाद तुम्हारा भाई स्कूल क्यों नहीं गया था। अब यहाँ देखिए बाद आया है, वाक्य में बाद आया है तो कैसे बनेगा। और ये देखिए क्यू डब्ल्यू जो है क्यों, ये वाक्य के बीच में आया है, तो हम लोग पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको पहले लगाते हैं, फिर उसके बाद एच भी लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं, तो सेम ऐसे ही बनेगा जैसे कि रूल होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे नहीं आया है, यानी कि क्यों नहीं, यानी कि ये दोनों क्यों आपका इंट्रोगेटिव हो गया, नहीं आपका निगेटिव हो गया, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस है। और गया था यानी कि तुम्हारा भाई स्कूल क्यों नहीं गया था, यानी कि ये आपका या था, मैंने जैसा कि पहचान इसका बताया था, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आप कैसे बनेगा, व्हाई डिड योर ब्रदर नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड द होम वर्क। तो ये आपका हो गया, मैंने पूरा सिंपली एकदम सिंपली भाषा में आपको इंटरगेट अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस फिर इंटरगेटिव सेंटेंस फिर स्पेशल नोट्स मैंने कुछ लिखा था उसके बारे में बताया और फिर इंटरगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पूरा अच्छी तरह से समझा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने पूरा पढ़ा दिया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को आसानी से इस पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।